हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। फेस्टिवल जैसे ही स्टार्ट होते हैं, वैसे ही हम लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ चीज़ों को चेंज कर लें या कोई नई चीज़ परचेज कर लें घर को डेकोरेट करने के लिए। तो आज की वीडियो है इसी से ही रिलेटेड। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे कुशन कवर जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और आप इन कुशन को घर पर ही बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। हमारे घर के अंदर बहुत सारे कट पीस होते हैं, सूट के पीसेस होते हैं, नेट के पीसेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया कुशन कवर घर पे तैयार कर सकते हैं। हालांकि आप सब लोग ऑनलाइन परचेजिंग भी करते होंगे फेस्टिवल्स पे या फिर मार्केट से परचेज करते होंगे, लेकिन हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ की बात ही अलग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जूट फैब्रिक में कई कुशन कवर हैं जो कि बिल्कुल प्लेन है, तो मुझे इनको करना है तैयार फेस्टिवल्स के लिए। आप चाहें तो अपने लिए स्टिच भी कर सकते हैं कुशन कवर। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि आप कुशन कवर घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, और जो भी डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आप उसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ मेरे पास नेट के पीसेज हैं जो कि ब्लाउज़ वगैरह के या सूट वगैरह के मेरे पीसेस बच जाते हैं, तो इन्हीं सब का यूज़ करके मैं आज यहाँ पे कुशन कवर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे वाइट कलर का अपना कुशन कवर। ये मेरा 2 का पेयर है, तो वाइट कलर के साथ जब भी मैं कुछ भी इमेजिन करती हूँ तो सबसे पहले वाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि मुझे ये वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये इस तरीके से मिरर, ये है प्लास्टिक वाले मिरर्स हैं, आपको किसी भी शॉप पर यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके के मिरर्स। और इसके साथ मैंने लिए हैं गोल्डन रिंग्स, ये भी हमको बने हुए मिल जाते हैं और बहुत ही कम रेंज में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिए हैं प्लास्टिक मिरर्स, आप चाहें तो ओरिजिनल मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वॉश वगैरह करने के लिए ये प्लास्टिक मिरर्स बहुत ही बढ़िया रहते हैं, तो मैं इसी का ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अब कुछ भी नहीं करना है, ये हमने जो गोल्डन कलर की रिंग ली थी और ये जो मिरर्स लिए हैं, तो इस तरीके से हम पहले बेस में यहाँ पर मैंने रेंडमली जितने भी मेरे ये प्लास्टिक मिरर्स थे उनको मैंने लगा लिया है, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का। कोई स्टिचिंग का काम नहीं करूँगी, फटाफट से फैब्रिक ग्लू से मैं अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस पर पेस्ट कर दूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पे सारे अपने जो मिरर्स हैं उनको पेस्ट कर दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट करूँगी अपने गोल्डन रिंग्स को। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कुशन कवर कि मेरा जो है पूरा कुशन कवर मिरर से बना हुआ है, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मार्केट के अंदर इस तरीके के मिरर वाले जो कुशन कवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हम इस तरीके से अगर इसको बनाएंगे तो ये फटाफट से बन के तैयार भी हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए जितने भी अपने रिंग्स थी उनको भी सबको मैंने अपने मिरर्स के ऊपर पेस्ट कर दिया है, और बस देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर हमारा कुशन कवर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से मैंने अपना दूसरा वाला कुशन कवर भी यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस तरीके के मिरर फिनिशिंग के कुशन कवर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पहला आइडिया पसंद आया होगा, और आप चाहें तो कलर कोई भी अपनी पसंद से कर सकते हैं। मुझे वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के रिंग्स पसंद करे हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, क्लियर ग्लोइंग रेडियंट स्किन किसको नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हम ग्लासी स्किन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं कोरियन मॉडल्स, जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ल्यूमिनस, ग्लोइंग, ड्यूई और प्लम्पी लगती हैं, जैसे रेगुलरली ही वो कोई ट्रीटमेंट लेती हैं या फिर फेशियल कराती हैं। ऐसी स्किन कहीं ना कहीं ड्रीमी स्किन है जो कि हम सब लोग पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि जनरेशन से साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ करा जाता है फॉर ग्लासी स्किन। कहीं ना कहीं हम भी इस तरीके की ग्लासी स्किन के लिए बहुत सारे टाइम टेकिंग प्रोसेस करते हैं, DIYs बनाते हैं जो कि हमारे स्किन पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट भी हमें ल्यूमिनस, ग्लोइंग या ग्लासी स्किन नहीं देते। तो फ्रेंड, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमें कोई क्विक एंड कन्वीनियंट सॉल्यूशन मिले जिससे कि हमारी स्किन ग्लोइंग, हेल्दी एंड ग्लासी बने। तो मामा अर्थ लाया है राइस वाटर फेस रेंज दैट गिव्स यू अ क्लियर एंड ब्राइटर ग्लास लाइक स्किन।
राइस फेस वॉश बना है यहाँ पे राइस वाटर से एंड नियासिनमाइड से, जो कि आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है। साथ ही आप राइस डे क्रीम का यूज करते हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपके स्किन को ब्राइटनिंग करता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यूजिंग दिस राइस फेस वॉश डेली बिकॉज इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड, विच मीन्स इट कंटेन्स नो टॉक्सिन्स, पैराबेन्स और हार्मफुल केमिकल्स। इट्स टाइम टू गेट क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन नेचुरली विद मामा अर्थ राइस वाटर फेस वॉश रेंज। और ये फेस वॉश आपके स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है, ब्राइटनिंग करता है आपके स्किन टोन को। सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, मेड सेफ सर्टिफाइड है। राइस फेस वॉश के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे राइस वाटर। इट क्लेरिफाइज द स्किन एंड स्टिमुलेट्स कोलेजन प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन ग्लास लाइक स्किन। सेकेंड इंग्रेडिएंट है यहाँ पे नियासिनमाइड। इट हेल्प रिमूव द डेड स्किन सेल्स एंड मिनिमाइज ओपन पोर्सेस, इनवेलिंग फ्रेशर एंड हेल्दियर स्किन। तो अब मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है राइस वाटर फेस वॉश से। 30 सेकेंड तक मैंने इसको रब किया था और उसके बाद जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मेरे स्किन जो है वो एकदम से ग्लो एंड क्लीन हो गई थी। इसके बाद और बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस डे क्रीम। इसके भी मेन इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पे हैं राइस वाटर एंड नियासिनमाइड। ये बना है मेड सेफ सर्टिफाइड, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, सुइटेबल ऑल स्किन टाइप्स। SPF 30 है, जो कि आप इसको धूप में भी कहीं पे भी लगा के इसको बाहर निकल सकते हैं। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप बैक साइड में देख सकते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सिंपली मैंने इसको अपने हैंड पे लिया है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है। आपको सिंपली अपनी फिंगर से इससे मसाज करनी है और आप तुरंत ही इंस्टेंटली ही रिजल्ट देखेंगे अपने फेस के ऊपर। मामा अर्थ इज़ ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड एंड दिस गुडनेस डज नॉट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द वैल्यू दैट दे स्टैंड फॉर। एंड फ्रेंड्स, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम दैम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाई 2025। मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। एंड द बेस्ट थिंग इज मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज। दे नाउ रिसाइकिल ओवर 240 empty plastic every month। और अगर आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो दे आर अवेलेबल ऑन Amazon, नायका एंड मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। और अगर आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे मेरा यूनिक कोड का यूज़ करते हैं वान्यास 2022 तो आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। और जितने भी लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मामा अर्थ के राइस वाटर फेस रेंज को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड कुशन कवर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक कलर का कुशन कवर और इस पे ड्रॉ किया है मैंने बुद्धा जी का फेस। और मार्केट के अंदर इस तरीके के बुद्धा फेस के जितने भी कुशन कवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो हमें इसे देना है थोड़ा सा हैवी लुक। तो यहाँ पे मैंने सिंपली चौक से ही फेस जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जिसकी हेल्प से मैं ये पूरा बुद्धा जी का फेस जो है वो बनाऊँगी। ये इस तरीके के स्टिकर्स आते हैं, हाफ पर्ल या फिर हाफ मोती आप कह लीजिए, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगी। और सिंपली मैं किसी भी स्टिचिंग का काम नहीं करूँगी, बस यहाँ पे मुझे फैब्रिक ग्लू को लेना है और उसी से ही मैं जितने भी यहाँ पे ये नग वगैरह ले रही हूँ इन्हीं से मैं इसको पूरा बना लूँगी। तो ये काफ़ी छोटे से नग हैं जो कि सिल्वर कलर के हैं। तो यहाँ पे मैं जितना भी बुद्धा जी का फेस है या फिर उनका नीचे का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा मैं सिल्वर कलर का बनाऊंगी, क्योंकि ब्लैक के ऊपर सिल्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिंपली देखिए मैंने लगाया फैब्रिक ग्लू। अब एक हल्की सी टूथपिक की हेल्प से मैं यहाँ पर जितने भी अपने मेरे ये नग हैं इसको मैं लगा दूँगी। बहुत ही ईजी है और देखने में ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने फेस्टिवल के लिए। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जगह पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके आप जितने भी नग वगैरह लगा रहे हैं उनको आराम से आप लगा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फैब्रिक ग्लू लगाने से बीट्स जो हैं वो हट जाएंगे वॉश होने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगा के किसी भी चीज़ को चिपका सकते हैं कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने फेस जो है वो सारा सिल्वर कलर के बीट्स से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इसके बाद देखिए जो हेयर वाला पार्ट है उसको मैं पार्टीशन करूँगी थोड़ा सा गोल्डन कलर के बीट से, जिससे कि फेस जो है वो नीचे अलग पता लगे और जो ऊपर हेयर वाला पार्ट है वो अलग से पता लगे।
तो इस तरीके से मैंने गोल्डन बीड्स लगा के इसको पार्टीशन कर दिया है। और मेरे पास जितने भी कलर्स के बीड्स हैं, जैसे वाइट है, कॉपर है, गोल्डन है, सिल्वर है, तो इन सारे बीड्स को मैं लगाऊंगी हेयर्स वाली जगह पे, जो कि थोड़ा सा कलरफुल लगेगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वाइट कलर के बीड्स मैं लगा चुकी हूँ। ये जितनी भी मैं यहाँ पे बीड्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे हाफ कट हैं, तो जो कि लगाने में, चिपकाने में काफ़ी ज़्यादा आराम होता है इस तरीके के पर्ल्स को लगाना। इसके बाद देखिए मैंने ये कॉपर कलर के लगा रही हूँ और कुछ यहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर कलर का भी यूज़ मैं करूँगी। इस तरीके से जब भी हम नग या इस तरीके से पर्ल वाला काम करते हैं तो हमारा जो भी काम होता है वो थोड़ा सा हैवी लुक देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बुद्धा जी का फेस बना रही हूँ वो सारा मैं मोती से और नग से ही बना रही हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा और सुंदर भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने माथे पे बुद्धा जी की एक छोटी सी गोल्डन कलर से बिंदी भी लगा दी है। अब बारी आती है फेस को बनाने की, तो मैंने आईज़, नोज़ और जो लिप्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया है। और ये वाला जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपली बस आपको फेस ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको अपने जितने भी नग वगैरह हैं उनको यहाँ पे लगा देना है। नीचे की साइड में मैं थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ कि इन्होंने कोई कपड़े पहने हुए हैं, तो उस पर भी मैंने नग लगा दिए हैं। और इसको ड्राई होने के बाद मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लेके जितने भी मेरे चौक के निशान थे उन सबको मैंने यहाँ पर हटा दिया है। और देखिए इसके बाद का जो रिज़ल्ट आया है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये बुद्धा फेस कुशन कवर। आप लोगों को भी आई होप पसंद आएगा, तो इसको ट्राई तो ज़रूर करिएगा इस बार। बहुत ही इजी है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये था मेरा सेकेंड DIY कुशन कवर का, और वाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसे लगे आपको मेरे दोनों कुशन कवर के डिज़ाइंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ये दोनों डिज़ाइंस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।